बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान और सिंपल रेसिपी कीमे के समोसे, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। वो बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा लिया है। उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और बारीक पिसवाया है और है ना, इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच जाएगा। लहसुन अदरक डाल के इसको मिक्स कर लिया था। अभी हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, जो मैंने 7 से 8 अदरक चॉप कर ली थी उसको मैं डाल दूँगी। अब इसके साथ भी इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। अब डाल दूंगी इसके अंदर मैं नमक और जाएगा इसके अंदर ज़ीरा। ज़ीरा मैंने 1/2 चम्मच लिया है। अब डाल दूंगी मैं 1 चम्मच भर के इसमें लाल कुटी हुई मिर्च। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी और अब जाएगा इसमें चाइनीज़ नमक। अब जाएगा इसके अंदर काली मिर्ची पिसी हुई। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसको हम ढक देंगे 1/2 घंटे के लिए मीडियम आंच पे। ये देखिए ढक दिया था मैंने। अब इसका हम देख लेते हैं, पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब आ जाते हैं हम प्याज की तरफ। प्याज भी मैंने 1 किलो ले ली थी, 1 किलो कीमा था और प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद इसको मैंने 1 चम्मच नमक डाल के इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और मलमल के कपड़े से इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था, इसका जितना भी पानी था। अब मैं इसको कीमे के अंदर डालूँगी। कीमा देखिए ठंडा हो चुका है। अब कीमे के अंदर मैं ये प्याज थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। सबसे पहले मैं अभी डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसके अंदर प्याज डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी करके। और ये बाज़ार वाले तो 1 किलो में 2 से 2.5 किलो प्याज डालते हैं और उनकी पता ही नहीं चलती। और आप हम लोग तो बराबर डालते हैं तो भी इतना पता नहीं चलता, लेकिन प्याज आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने देखिए 1/2 समोसे बना के रख दिए थे, क्योंकि 1 किलो में बहुत सारे समोसे बन जाते हैं। तो अब मैं आपको 2 समोसे बना कर आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह मैंने समोसे पट्टी को कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह डाल के इसको प्रेस कर दिया है। अब इसको मैं फोल्ड करके ये लई लगा दी है। सिंपल आटे से बनाई है मैंने, मैदे से भी बना सकते हैं लई। और ये देखिए इस तरह मैं देखिए बना के रख दी है। अब मैं इसको फ्राई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। फ्राई मैंने कर लिया था, अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर से इसका मसाला देखिए कैसे आ रहा है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किए। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अल्लाह हाफ़िज़।